टेक्नोसेल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो का हम यूज़ करके जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप कैसे करें। दोस्तों ASP.NET विथ C#, यानी कि C# का यूज़ करके जो .NET टेक्नोलॉजी .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके हमें एक जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिलअप करना है। दोस्तों हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की इसमें बात करें तो हम IDE टूल्स में हम विजुअल स्टूडियो 2019 वर्जन है उसका यूज़ करेंगे। लैंग्वेज में हम C# का यूज़ करेंगे और फ्रेमवर्क में हम जो .NET फ्रेमवर्क है उसका जो लेटेस्ट वर्जन जो होगा हम उनका यूज़ करेंगे। उसके बाद बैकएंड में डेटाबेस की हम बात करें तो उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है हम उनका यूज़ करेंगे। दोस्तों आप लोकल SQL सर्वर का भी यूज़ कर सकते हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेस है उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों हम फॉर्म्स का डेमो देखें तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा हमारा फॉर्म्स का, जिसमें हमें एक जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा उसमें एक एम्प्लॉय की ID, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, उसके अलावा जो एनुअल सैलरी, PF, टोटल, यानी कि जैसे ही टोटल सैलरी वाले जो बॉक्स है, जो बटन्स है, उस पर क्लिक करेगा यूज़र तो उनका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर उनकी जो टोटल सैलरी है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट इंसर्ट हो जानी चाहिए और फाइल अपलोड से यहाँ पे उनके जो इमेज है, जो फोटोस है, वो अपलोड हो जानी चाहिए। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी क्लिक इवेंट जो डेटाबेस में हम जो टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय का उसके अंदर डेटा है वो स्टोर हो जाए। ऐसे हमें दोस्तों जो पूरा जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। दोस्तों हमें अपने जो विजुअल स्टूडियो है उसको ओपन कर लेना है। दोस्तों आप जो कोई भी विजुअल स्टूडियो का वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है 2019 का उनका यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्रिएट या न्यू प्रोजेक्ट का एक पेज शो होगा। यहाँ से दोस्तों आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेजेस है C# को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो वेब है एप्लीकेशन के लिए जो टाइप्स है उसको वेब सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क वाला ऑप्शन आपके सामने शो होगा। दोस्तों अगर आप जो कोर में बनाना चाहते हैं ASP.NET तो आपको कोर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको जो सिंगल ऑप्शन है जो .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए जो ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाला पेज है वो शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम है वो दे देना है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। हम यहाँ पे जो आरजी फॉर्म फिलअप ऐसा नेम दे देते हैं, यहाँ से हम आरजी फॉर्म फिलअप। उसके बाद यहाँ पे जो लोकेशन है, जो डायरेक्टरी है, यहाँ पे जो तीन डॉट्स मिल रहे हैं यहाँ से आप जो डायरेक्टरी है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको बाय डिफॉल्ट अभी तक आपने यूज़ की हुई डीप डायरेक्टरी मिल जाएगी। हम यहाँ पे ASP.NET वाला जो मेरा फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फ्रेमवर्क का वर्जन है यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन 4.7.2 है। आप अगर कोई ओल्ड वर्जन में अगर बनाना चाहते हैं अपना प्रोजेक्ट तो आप ओल्ड वर्जन है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है जो 4.7 वाला उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट वाला बटन आपको मिलेगा उस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू यहाँ पे जो वेब एप्लीकेशन है उसका एक फॉर्म ऐसा शो होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप अगर MVC पैटर्न का यूज़ करना चाहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर का डायरेक्टली उसका जो टेम्पलेट कंप्लीट ही लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे MVC पे क्लिक रखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे जो एम्प्टी टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट रखना है। और यहाँ पे जो एड अ फोल्डर वाला ऑप्शन आपको राइट साइड मिलेगा वहाँ से आपको जो वेब फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप वेब API है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो MVC पैटर्न यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर जो न्यू पैटर्न है उसके थ्रू काम करना चाहते हैं तो आपको MVC पैटर्न है उस पर चेकबॉक्स है उसको क्लिक रखना है, अदरवाइज यहाँ पे वेब फॉर्म पे क्लिक रखें और यहाँ पे जो क्रिएट वाला आपको बटन मिल रहा है उस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे ऐसा इंटरफेस है पूरा वो आपके सामने शो हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, वहाँ पे आपने जो भी नाम से अपना प्रोजेक्ट्स बनाए वो फाइल आपको यहाँ पे दिखेगी और उनके अंदर जितनी भी जो यहाँ पे फोल्डर्स है वो आपको मिलेगी।
अगर आपने कोई मतलब जो कोई टेम्पलेट सिलेक्ट किया है, MVC का टेम्पलेट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे कंट्रोलर मॉडल्स उसके अलावा व्यू जैसे जो फोल्डर्स है वो आपको कम्प्लीटली मिलेगी। लेकिन आपने वेब फॉर्म सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ऐप डेटा और जो मॉडल्स दो ही फोल्डर आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पे जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वो आपके जो विजुअल स्टूडियो है उसमें शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो व्यू मेनू में जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उसको ओपन कर लेना। यहाँ पे फर्स्ट ही आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। उसके बाद आपको जो सर्वर एक्सप्लोरर है उसको भी ओपन कर लेना है, वो भी आपको व्यू मेनू में मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ओपन ही रहता है जो सर्वर एक्सप्लोरर। यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी डेटाबेस आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो आपको हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक जो फोल्डर है वो क्रिएट कर लेना है, हम उसी फोल्डर में अपना जो वेब फॉर्म है उसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो RG फॉर्म्स फिलअप वाला जो फोल्डर है आपका जो प्रोजेक्ट है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, उस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन है उस पर आ जाना है। यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन से यहाँ से न्यू आइटम वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो वेब वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आपको जो फोर्थ नंबर पे वेब फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे वेब फॉर्म नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आपको जो लेफ्ट साइड है ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको जो वेब फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो वेब वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको जो वेब फॉर्म के जो सारे फॉर्म्स है वो आपके सामने शो हो जाए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो बॉटम साइड आपको नेम नज़र आएगा, यहाँ पे वेब फॉर्म का नेम बाय डिफॉल्ट वेब फॉर्म 1 होगा, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वेब फॉर्म 1 से उसको आप चेंज कर सकते हैं, आप जो भी नेम रखना चाहते हैं। अदरवाइज आप वेब फॉर्म 1 ही रहना देना चाहते हैं तो आप वही भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दे देते हैं एम्प्लॉय फॉर्म, और यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपने वेब फॉर्म ऐड किया है जो जो एम्प्लॉय फॉर्म वाला वो यहाँ पे ऐड हो चुका है दोस्तों। लेकिन इसको एक कोई स्पेसिफिक जो फोल्डर है उसके अंदर हम ले लेते हैं। तो यहाँ से पहले एक जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। जो RG फॉर्म फिलअप वाले फोल्डर पे हमें फिर से आ जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन है उस पर आना है और न्यू फोल्डर पर आ जाना है। यहाँ पर फोल्डर का नेम हम EMP दे देते हैं EMP। उसके बाद ये जो हमने जो वेब फॉर्म बनाया था एम्प्लॉय फॉर्म का उसको यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेना है और हमारा जो फोल्डर था EMP वाला उसके अंदर ही पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो पूरा मतलब URL है वो EMP फोल्डर के अंदर ही रह जाए। यहाँ पे देखिए जो लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें जैसे ही फॉर्म की डिजाइनिंग कंप्लीट करें उससे पहले हमें जो एक डेटाबेस है उसमें अपना जो टेबल है उसको क्रिएट करना होगा। तो हमें दोस्तों डेटाबेस में हमें जो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, अगर दोस्तों आप लोकल सर्वर का भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन पे आना है, न्यू वाले जो आइटम है यहाँ पे न्यू आइटम पे आ जाना है और यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन पे आना है, तो आपको यहाँ पे SQL सर्वर का डेटाबेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th नंबर का ऑप्शन है SQL सर्वर डेटाबेस। अगर आप दोस्तों एंटिटी जो मॉडल का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट आपको ADO.NET का मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों हम जो मैनेजमेंट स्टूडियो है हम उसका यूज़ करेंगे। तो हमें अपने जो SQL सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो हमने इंस्टॉल किया है अपने PC में उसको हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पे मिल जाएगा SQL का मैनेजमेंट स्टूडियो, सर्च वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे मैनेजमेंट स्टूडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, दोस्तों SQL का मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन होगा तो उसका इंटरफेस ऐसा शो होगा। यहाँ पे आपको जो कनेक्ट टू सर्वर आपके जो भी सर्वर का नेम है अपने अपने PC का जो नेम है वो कनेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे अपने जो PC का नेम है वही मेरे जो सर्वर का नेम है, यहाँ पे कनेक्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको डेटाबेस का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको यहाँ से डेटाबेस वाला ऑप्शन है उस पर आ जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस वाला ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पे एंटर कर लेने हैं, आप कोई भी डेटाबेस का नेम दे सकते हैं। हम यहाँ पे जो EMP DTLS यानी कि एम्प्लॉय की जो डेटा लिस्ट है वो हम दे देते हैं, तो नेम हमने दे दिया EMP DTLS। उसके बाद यहाँ पे जो ओके वाला बटन आपको मिल रहा है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे
आपको जो ईएमपी जो डीटीएलएस जो आपका डेटाबेस है यहाँ पे जो आप ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे आ जाए लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा। टेबल वाले ऑप्शन है उस पर आना है, राइट क्लिक करना है न्यू टेबल यानी न्यू टेबल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप क्वेरी लिख के भी डायरेक्टली जो मतलब जो क्रिएट टेबल करके भी अपना जो टेबल क्रिएट कर सकते हो और इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करके आप जो रिकॉर्ड है उसको इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो डायरेक्टली जो फ्रेमवर्क है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमें फील्ड की आवश्यकता होगी ईएमपी आईडी, हमें ईएमपी आईडी की आवश्यकता होगी। यहाँ पे हमें इंटीजर ले लेनी है, ईएमपी आईडी हमें ले लेनी है इंटीजर, इंटीजर नॉट नल, यानी कि ये नल नहीं हो सकती। उसको हम प्राइमरी की भी दोस्तों दे सकते हैं, सेट प्राइमरी की। उसके अलावा जो ईएमपी आईडी फर्स्ट हमारा फील्ड होगा, सेकंड हमारा होगा एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। उसमें हम दोस्तों जो एन वार्कर है उस डेटा टाइप के यूज़ करेंगे, एन वार्कर 15, साइज हम 15 को सिलेक्ट रखेंगे। उसके अलावा एल नेम यानी कि लास्ट नेम, यहाँ पे भी जो हम डेटा टाइप है वो हम एन वार्कर है उसको रखेंगे और अलोन ऑल से क्लिक हटा लेंगे, यानी कि ये अवश्य ही आपको एंटर करना हो। उसके बाद डिपार्टमेंट डिप्ट यानी कि डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में भी दोस्तों हम एन वार्कर यानी कि एन वार्कर का यूज़ करेंगे, साइज भी 15 रखेंगे। उसके अलावा एक फील्ड और रहेगा हमारा जो डेट का, यहाँ पे डेट, डेट में दोस्तों यहाँ से आपको जो डेटा टाइप है वो डेट इन टाइम या तो आप डेट भी सिलेक्ट रख सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है। आपने कैलेंडर ऑब्जेक्ट रखा है, आपने जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसके अनुसार आपको जो डेटा टाइप है उसको सेट रखनी है। यहाँ से आप डेट टाइम रख सकते हैं या तो डेट रख सकते हैं, हम डेट टाइम रख देते हैं। उसके बाद एक और फील्ड आपको रह जाएगा, वो आपको रहेगा मतलब जो एनुअल सैलरी, उसके बाद पीएफ टोटल सैलरी, और एक रहेगा आपकी जो इमेज का जो फाइल इमेज की अपलोड होगी वो। तो फर्स्ट हम करेंगे एनुअल सैलरी यानी कि ए सैलरी, एनुअल सैलरी आपकी एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी दोस्तों आप यहाँ पे न्यूमेरिक है डेटा टाइप रख सकते हैं। उसके बाद पीएफ टी ए डी ए भी आप दोस्तों यहाँ पे एंटर करा सकते हैं, यहाँ पे जो न्यूमेरिक और एक जो डेटा टाइप ले लीजिए। उसके बाद एक होगी जो टोटल की यानी कि टोटल सैलरी, टोटल सेल, यहाँ पे भी हम डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक को रखेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे जो डबल डेटा टाइप है उसको भी रख सकते हैं, क्योंकि सैलरी है वो कभी मतलब जो मतलब डेसिमल पॉइंट में भी हो सकती है। उसके अलावा एक और हमें जो इमेज का पास स्टोर कराना है यानी कि इमेज आईएमजी, तो हम यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो एन वार्कर लिख लेते हैं, सिलेक्ट रख देते हैं, अलोन ऑल से क्लिक हटा देते हैं और कंट्रोल एस वाला बटन है उसको क्लिक कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे जो टेबल का नेम है वो दे देना, आप कोई भी टेबल का नेम दे सकते हैं। हम यहाँ पे जो ईएमपी टीबीएल टेबल का नेम रख देते हैं और ओके वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जैसे ही टेबल क्रिएट कर लिया तो टेबल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो टेबल वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ईएमपी टीबीएल जो आपने टेबल लिया है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी फील्ड्स है कॉलम्स है टेबल की वो आपको दिखाई देगी, ईएमपी आईडी एफ नेम एल नेम डिपार्टमेंट डेट जो ए सैलरी पीएफ टोटल सेल और इमेज, यानी कि इमेज आप यहाँ पे एंटर करेंगे वही। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो फाइल मेनू में आके जो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसको क्लोज कर देना है और यहाँ से जो एग्जिट हो जाना है। अब दोस्तों हमें जो मैनेजमेंट स्टूडियो में आने की आवश्यकता नहीं है जब तक हमें यहाँ पे डेटा को चेक ना करना हो, तो उससे पहले हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। दोस्तों डेटाबेस की कनेक्टिविटी करने के लिए हमें यहाँ पे विजुअल स्टूडियो है उस पर आ जाना है और यहाँ से आपको मतलब जो यहाँ पे जो डेटा कनेक्शन है उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऐड कनेक्शन वाला ऑप्शन है उस पर आ जाना है। यहाँ से आपको जो डेटा सोर्स है उसको पहले चेंज कर लेना है, यहाँ पे चेंज वाला ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो ओके वाला बटन आपको मिलेगा उस बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्वर का नेम, यहाँ आपने जो भी जो मैनेजमेंट स्टूडियो है एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो का उसमें आपने जो भी सर्वर का नेम आप यूज़ कर रहे हैं यानी कि आप पीसी का नेम यूज़ कर रहे हैं वही यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने जो एसक्यूएल एक्सप्रेस जो मेरा सर्वर का नेम है, उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट और जो एंटर अ डेटाबेस नेम, यहाँ से हमें जो डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लेना है। हमारा जो ईएमपी डीटीएलएस जो डेटाबेस का नेम था वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो टेस्ट कनेक्शन है उस पर क्लिक कर देते हैं, सक्सेस का मैसेज आ जाए, उसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ईएमपी टीबीएल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फील्ड भी मिल जाएंगे जितने भी आपके टेबल्स के फील्ड है।
उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो हमारा जो वेब फॉर्म था एम्प्लॉय का, वहाँ पे हमें जो फॉर्म्स की डिजाइनिंग है, यानी कि आप यहाँ पे जो डिजाइनिंग पे आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं और अपना जो न्यू डिजाइनिंग है फॉर्म के लिए वही भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल है वो दे देनी है, यहाँ से आपको टाइटल दे देना है, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। हम यहाँ पे जो फिल आरजी फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे जो ड्यू टैग बॉडी टैग पे आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप एक टेबल बना के भी अपना जो मतलब एक जो फॉर्म तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल ही रहा है, उसके अंदर आप एक टेबल बना के भी अपना फॉर्म्स बना सकते हैं। उसके अलावा आप HTML की जो टैग है उसका डायरेक्टली यूज़ करके भी आप टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे जो .NET फ्रेमवर्क है उसके जो टूल बॉक्स है हम उनका यूज़ करके जो टेबल की डिजाइनिंग है यानी कि फॉर्म की डिजाइनिंग है वो हम क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से टूल बॉक्स को ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पे टूल बॉक्स का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्यू मेनू में जाके टूल बॉक्स को आप ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक टेबल की आवश्यकता होगी तो आपको एक टेबल ले लेना है, यहाँ से टेबल। उसके बाद टेबल है उसको दोस्तों अलाइन सेंटर भी आप दे सकते हैं ताकि वो सेंटर में रहे। जो HTML के सारे एट्रीब्यूट है और दोस्तों यहाँ पे काम करेगी 99% एट्रीब्यूट यहाँ पे काम करेगी अलाइन सेंटर। उसके बाद एक जो TR ले लेते हैं, TR के अंदर एक हम TH ले लेते हैं, यानी कि TH के अंदर दोस्तों हम एक H1 टैग ले लेते हैं, H1 टैग को अलाइन सेंटर दे देते हैं, अलाइन सेंटर। उसके बाद H1 टैग पे हम लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे एक और TD भी आप ले सकते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ पे आप कॉलस्पान 2 दे सकते हैं जो TH है वहाँ पे कॉलस्पान 2, और एक और जो TD है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे TD यानी कि टेबल डेटा TD। और उसके अंदर आप यहाँ पे इमेज है जो आप जहाँ पे आप इमेज स्टोर कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी एक इमेज है उसको यहाँ से ले लेनी है और यहाँ पे रख देनी इमेज। उसके बाद दोस्तों दूसरी TR है वो हमें बनानी होगी, और एक TR यानी कि टेबल रो, उसके अंदर पहले एक जो TD बनाएंगे उस TD में पहले तो आपको EMP का लेबल यहाँ पे लिखना है, यानी कि EMP ID। तो आप डायरेक्टली दोस्तों एम्प्लॉय ID भी यहाँ पे लिख सकते हैं, EMPLOY ID। उसके बाद यहाँ पे एक और बनाएंगे हम TD को, TD यहाँ पे हमें एक लेबल की आवश्यकता होगी तो यहाँ से आपको एक लेबल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, यहाँ से लेबल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमने TD ली थी, वहाँ पे हमने इमेज लिया है, उसको दोस्तों उस TD में रखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से उसको कट कर लेना है, यहाँ से Ctrl X, और यहाँ ए वाली TD है हमारी जो एम्प्लॉय ID वाली उस TD में ले लेना है Ctrl V, और यहाँ पे जो कॉलस्पान था वो यहाँ पे 3 दे देना है, कॉलस्पान 3। उसके बाद दोस्तों और एक TR न्यू बनाएंगे यानी कि टेबल रो को हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 TD, उसमें हम TD में यूज़ करेंगे फर्स्ट नेम। उसके बाद एक और TD बनाएंगे TD, उसमें हम दोस्तों एक जो टेक्स बॉक्स है उसको हम लेंगे, यहाँ से हमें एक टेक्स बॉक्स है उसको ले लेना, यूज़ कर लेना है, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ से डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों हमने जो इमेज वाला हमने यहाँ पे लिया था, इमेज में हमने मतलब इमेज वाली TD है वहाँ पे हमें रोस्पान दे देना है, रोस्पान हम दे देते हैं दोस्तों यानी कि 4th या तो 3 दे सकते हैं दोस्तों, यानी कि 3 रो तक वो कलेक्ट करेगा। दोस्तों उसकी डिजाइनिंग हम देखते जाते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपने फॉर्म बनाया है उसकी डिजाइनिंग यहाँ पे बनती जा रही है। यहाँ पे पहले हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो H1 टैग लिया है, उसके बाद हमने एम्प्लॉय ID उसका एक लेबल यूज़ किया है, उसके बाद हमने फर्स्ट नेम उसका टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे साइड में हमने इमेज को यूज़ किया है। उसके बाद दोस्तों हम फिर से डिजाइनिंग है उसको स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद और एक TR पे आ जाते हैं, TR उसके अंदर एक और TD, यहाँ पे लास्ट नेम होगा TD। उसके बाद यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट बॉक्स है हमें यहाँ से कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं, यहाँ से
कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स वन आईडी थी वो आईडी हम चेंज करते जाना है। टेक्स्ट बॉक्स वन है उसकी जगह टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर हमें जो भी एफ नेम दे देना है जो भी फील्ड के लिए हम बना रहे हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स टू है उसकी जगह पे एल नेम, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट। यहाँ से दोस्तों जितनी भी ये जो पूरी मतलब यहाँ पे जो टी आर है उस टी आर को हमें कॉपी पेस्ट करते जाना है यहाँ से कंट्रोल, फर्स्ट नेम लास्ट में हो चुका है, उसके बाद डिपार्टमेंट है। दोस्तों हम वैसे क्रिएट ही करते जाते हैं वन बाय वन ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। यहाँ से एक और टी आर ले लेनी है, उसके बाद यहाँ पे एक टी डी ले लेनी है और टी डी में हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट डिपार्ट, उसके बाद यहाँ पे जो टी डी ले लेनी है टी डी के अंदर एक हमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको यूज़ कर लेना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वन। उसके बाद एक और टी आर ले लेते हैं, टी आर यानी कि दोस्तों टेबल रोड, टी डी यानी कि टेबल डेटा, डिपार्टमेंट के बाद आएगा ज्वाइन डेट, ज्वाइन डेट, उसके अलावा एक और टी डी ज्वाइन डेट है। ज्वाइन डेट के लिए हम दोस्तों डेट के लिए हम यहाँ पे कैलेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, हम टू डेट डेट टाइम डॉट नाउ के डायरेक्ट यानी कि टू डेट डेट एंटर हो ऐसा भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे जो ज्वाइन डेट है वो सिंपली हम यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे वैलिडेशन सेट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे जो एक जो टेक्स्ट बॉक्स है उनका ही हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर हो जाएगा डेट, उसके अलावा एक और टी आर है वो हमें ले लेनी है टी आर, उसके अंदर एक और टी डी होगी, जो टी डी होगी वो होगी एनुअल सैलरी की, एनुअल सैलरी, एक और टी डी की आवश्यकता है यहाँ पे, और उसके अंदर एक जो हमें टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता है यहाँ से हमें एक टेक्स्ट बॉक्स है उसको यूज़ कर लेना है। यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है उसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे एस एल कर देते हैं। उसके बाद एक और टी आर की आवश्यकता है यहाँ पे, टी आर यानी कि टेबल रो, एक और टी डी टेबल डेटा, और उसके बिल्कुल ही अंदर आएगा जो पी एफ, उसके बाद यहाँ पे एक और टी डी, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सिलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों आप डायरेक्टली जो टेबल की डिजाइनिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वन बाय वन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पे होगा पीएफ, उसके बाद यहाँ पे सेव वाला बटन हमें दोस्तों सेव करते जाना है। एक और टीआर है वो हमें यूज़ कर लेनी है यहाँ से एक और टीआर, और उसके अंदर आएगा मतलब एक पहली टीडी होगी यहाँ पे। अब दोस्तों डायरेक्टली लेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, उसके बाद एक और टी डी यहाँ पे होगी यूज़ टी डी, उसके अंदर हमें एक जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ले लेना है यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स आईडी है उसको चेंज कर लेनी है, टेक्स्ट बॉक्स टी सी एल कर देना है, और यहाँ पे सेव वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमें यहाँ पे हमने जो टोटल सैलरी तक की हमने डिजाइनिंग फॉर्म की कंप्लीट कर ली। हम डिजाइनिंग पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी ऐसे डिजाइनिंग है उसका इंटरफेस है वो शो होगा। यहाँ पे दोस्तों हमें हर एक जो टी डी है यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स की जो टोटल सैलरी तक की टी डी है वहाँ पे हमें जो कॉल स्पान टू है वो देते जाना है। उसके बाद एक और जो टी आर है उसको हम एंटर कर लेते हैं टी आर, उसमें हमें जो फाइल अपलोड है उसको एंटर करना है यानी कि अपलोड फोटो, अपलोड फोटो, अपलोड फोटो। और दोस्तों हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखनी है टी डी के अंदर, टी डी जो आप टी डी क्रिएट करेंगे उसके अंदर अपलोड फोटो कंट्रोल एक्स यहाँ पे कंट्रोल पी। उसके बाद यहाँ पे जो और एक टी डी की आवश्यकता आपको होगी यहाँ पे टी डी, तो उस टी डी में दोस्तों यहाँ पे आपको फाइल अपलोड है उसको यहाँ पे ऐड करना है, फाइल अपलोड, यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुका। उसके बाद एक और टी डी यहाँ पे हम एंटर करेंगे ऐड करेंगे टी डी, उसके अंदर हमें एक जो बटन से वो ले लेना है यहाँ से आपको बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। बटन, बटन की आईडी है यहाँ पे बटन वन है उसकी जगह पे चेंज करके बटन अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स है उसको भी चेंज कर लेना है, यहाँ पे टेक्स को लिख देना है अपलोड, अपलोड, यहाँ पे जो सेव वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। एक और टी डी की टी आर की आवश्यकता होगी हमें दोस्तों, टी आर,
यहाँ पे एक हमें टीडी ले लेनी है, और यहाँ पे हमें दे देना है कोलस्पान थ्री, कोलस्पान थ्री यानी कि हम जो थ्री रो है उसको हम ऐड करना चाहते हैं, यानी कि मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक हमें बटन ले लेना है, यहाँ से हमें एक बटन ले लेना है, और बटन है btn1 है, उसकी जगह पे हमें बटन अंडरस्कोर सबमिट नेम दे देना है सबमिट। और यहाँ पे जो टेक्स है, टेक्स में बटन लिखा हुआ है तो उसको रिमूव करके हम यहाँ पे सबमिट नेम दे देते हैं सबमिट। उसके बाद यहाँ पे जो सेव वाला बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डिजाइनिंग वाले ऑप्शन पर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको मिल रहा है यहाँ पे सबमिट। लेकिन दोस्तों ये सबमिट है वो सेंटर में नहीं है, तो हमें उसको अलाइन सेंटर है वो दे देना है। यहाँ पे जो कोलस्पान थ्री है उसके बगल में आपको दे देना है अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर। और हमने एक जो ड्रॉप डाउन लिस्ट का यहाँ पे यूज़ किया था उसके हमने मेनू सेंटर नहीं किया, तो यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे एक लिस्ट आइटम ऐड कर देते हैं ASP लिस्ट आइटम। फर्स्ट जो डिपार्टमेंट होगा HR का, उसके बाद हम सेकंड डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे, सेपरेट डिपार्टमेंट होगा हम सॉफ्टवेयर डेवलपर का, और उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट होगा वो होगा मार्केटिंग का, मार्केटिंग एक और डिपार्टमेंट होगा वो होगा जनरल, मतलब जनरल। यहाँ पे सेव वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे डिजाइनिंग देखिए, जो पूरा हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी, मतलब यहाँ पे जो सबमिट बटन पे, यहाँ पे दोस्तों आप जो कलर्स है, जो पूरे कलर्स है उसको चेंज कर सकते हैं, जो फॉर्म्स के कलर्स है उसको चेंज कर सकते हैं, बटन का जो भी कलर है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सपोज मान लो हम सबमिट का बटन है उसका कुछ उसकी प्रॉपर्टीज सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट मिलेगा, फॉन्ट आप बोल्ड रखना चाहते हैं, आप जैसा भी फॉन्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साइज में उसका चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा उसका जो बैक एंड कलर है यानी कि बैकग्राउंड कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है उस, यहाँ से ग्रीन आप सिलेक्ट कर ले, ओके कर दिया तो यहाँ पे जो बटन है वो चेंज हो जाएगा। उसी तरह से आप पूरा जो फॉर्म्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, पूरा फॉर्म्स है उसको आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जो टेबल्स है पूरा उसको आप सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे डिजाइनिंग वाला ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ से प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है उस पे आ जाना है, यहाँ से आपको जो स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, यहाँ पे देखिए जो स्टाइल उस पे तीन डॉट मिल रहे हैं उस डॉट पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है उस पे आ जाना है, यहाँ से आपको उसके कलर मिल जाएगा, आप जो भी कलर फॉर्म का रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हैं। सपोज हमने ये कलर रख दिया, यहाँ पे ओके वाला बटन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए जो फॉर्म्स का कलर है यही रहेगा। यहाँ से आप जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी अलग अलग साइज़ में मतलब डिफरेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे अभी जो अपना जो कोडिंग है उस पर ध्यान देना है, डिजाइनिंग तो आप जैसे भी टेम्पलेट भी लेके अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों ऐसी डिजाइनिंग है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें कोडिंग को स्टार्ट करना है। तो हम दोस्तों कोडिंग कैसे स्टार्ट करके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डेटाबेस है उसको तो कनेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें यहाँ पे जो सबमिट वाला हमारा बटन है, ये जो सबमिट वाला बटन है उस पर डबल क्लिक करना है, यानी कि उसकी क्लिक इवेंट है उसको ओपन कर लेना है, तो आपको जो एम्प्लॉय वाला वेब फॉर्म था उसकी डॉट सी एस फाइल है वो मिल जाएगी। तो फर्स्ट हमें जो कुछ एडर फाइल है उसको यहाँ पर ऐड करनी होगी, तो हम यहाँ पर जो एडर फाइल है उसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, उसके अलावा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट, हमने जो SQL क्लाइंट है कि नहीं कि हमने SQL का डेटाबेस यूज किया है इसलिए यहाँ पे SQL क्लाइंट। उसके अलावा आप इनपुट आउटपुट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू का डेटा यहाँ पे मतलब स्टोर कराते हैं तो। अब दोस्तों हमें कुछ या तो हम डायरेक्टली जो डेटाबेस है उसका पाथ कनेक्ट करा सकते हैं, या तो हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं ताकि हम उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, हम कनेक्शन पाथ का यूज़ करके हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर SQL कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, यहाँ पर दोस्तों @ का साइन, उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलोन, जो डेटाबेस का पाथ है वो यहाँ पे सेट कर देना है।
हमारा जो सर्वर एक्सप्लोरर है उस पर आ जाना है, डेटाबेस के पाथ पे आ जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये जो पूरा पाथ है कनेक्शन स्ट्रिंग का उसको मतलब सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी, यहाँ पे पेस्ट हमने कर दिया। उसके बाद हमें और एक जो ऑब्जेक्ट है जो एसक्यूएल कमांड, कमांड के लिए हम सीएमडी का यूज़ रखेंगे। उसके अलावा हमें एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, एडेप्टर के लिए हम डीए का यूज़ करेंगे, न्यू एसक्यूएल डेटा एडेप्टर। उसके बाद हमें जो मतलब जो डेटा सेट और जो डेटा टेबल है उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनको भी ले लेते हैं। डेटा सेट उसके लिए डीएस इक्वल टू न्यू डेटा सेट यहाँ पे। उसके अलावा डेटा टेबल भी हम ले लेते हैं, डेटा टेबल डीटी इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। दोस्तों हमने यहाँ पे जो पार्शियल क्लास है वहाँ पे हमने जो भी ऑब्जेक्ट ले लिए उनको हम जो पूरा मतलब जो पूरा जो फॉर्म्स है उसके अंदर हम उनका यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट से वो ले लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो पेज लोड इवेंट है उस पर आ जाना है और वहाँ पे हमें दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जो अपनी जो ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है, जो एम्प्लॉय की आईडी है वो बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट होती जाए हर बार, हमें ऐसा सेटअप करना है। हम ऐसा कोड यहाँ पे सेट करेंगे ताकि जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट होती जाए। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे, पहले तो कनेक्शन है उसको ओपन करा देते हैं। तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट आईडी के लिए हमने यहाँ पे जो एक वेरिएबल से वो लेना होगा, हम यहाँ पे दोस्तों जो पार्शियल क्लास में एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर आईडी वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो आईडी वन का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पेज लोड वाली इवेंट है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें एक जो क्वेरी है उसको फाइंड करनी होगी, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू, यहाँ पे जो क्वेरी लिखनी होगी मैक्स क्वेरी सिलेक्ट की, सिलेक्ट मैक्स, यहाँ पे आपने जो डेटाबेस की आईडी के नेम दिया है वही, यहाँ पे सेम ये वही लिखना है, यहाँ पे ईएमपी आईडी। दोस्तों अगर आपने डेटाबेस में कैपिटल में दिया तो यहाँ आपको कैपिटल में देना है, स्मॉल में दिया हो तो स्मॉल में, एज अ ईएमपी आईडी फ्रॉम जो टेबल का नेम है वही, टेबल का नेम क्या है तो ईएमपी टीबीएल। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन और यहाँ पे जो डीए यानी कि डेटा एडेप्टर डीए इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडेप्टर एसटीआर स्ट्रिंग एंड कनेक्शन के लिए पाथ सीओएन लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ पे डीए डॉट फिल और यहाँ पे जो डेटा सेट डीएस, डेटा सेट के लिए हमने जैसे डीएस का यूज़ किया था तो डीएस, उसके बाद सेमीकोलन। यहाँ पे दोस्तों हमें जो आईडी वन है उसका जो मतलब एक हमें जो सेटअप है वो कर लेनी है यार, आईडी वन इक्वल टू वन। उसके बाद यहाँ पे जो आईडी वन डॉट टेक्स्ट आईडी वन इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर डॉट पार्स। उसके बाद यहाँ पे जो डीएस डेटा सेट डॉट टेबल्स एंड डॉट रोज, यानी कि जो रोज है वही रोज के लिए हमें इंडेक्स ज़ीरो सेट रखनी है ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पे जो आईडी का नेम डबल इन्वर्टेड कोमा में ईएमपी आईडी और डॉट टू स्ट्रिंग लास्ट में होगा सेमी कॉलम। उसके बाद हमें एक जो इफ कंडीशन है वो यहाँ पे ले लेने, इफ यहाँ पे आईडी वन लेस देन ज़ीरो, अगर आईडी वन मतलब ज़ीरो मिले तो आईडी इंक्रीमेंट हो जाएगी आईडी प्लस प्लस यानी कि वन, अदरवाइज else यानी कि अदरवाइज क्या होगा तो यहाँ पे अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ही आईडी वन है उसको सिलेक्ट कर लेगा आईडी वन इक्वल टू वन। उसके बाद यहाँ पे जो लेबल का आपने कौन सा जो प्लेटफॉर्म है उसको सेट करना है तो हमें यहाँ पे लेबल
यहाँ पे लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आई डी वन डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि अब आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट है वो होती जाएगी। जैसे ही वन आईडी पे रजिस्टर्ड होगा, सेकंड नंबर वाला अगर एम्प्लॉय रजिस्टर्ड करेगा तो उसकी बाय डिफॉल्ट आईडी टू हो जाएगी, थर्ड नंबर का एम्प्लॉय रजिस्टर्ड करेगा तो उसकी आईडी बाय डिफॉल्ट ही थ्री हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अबे हम यहाँ पे जो टोटल सैलरी वाला हमारा जो बॉक्स था उस पर हमें उसकी जो इवेंट है जो टोटल वाला जो मतलब यहाँ पे हम डिजाइनिंग पे देखे तो आपको यहाँ पे जो टोटल सैलरी का हमने यहाँ पे जो लेबल लिया है तो हमें उसकी जगह पे एक हमें बटन है उसका यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं उसकी सर्च वाले जो कोड है वहाँ पे, यहाँ पे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे मिलेगा टोटल सैलरी। टोटल सैलरी पे दोस्तों हमने डायरेक्टली टेक्स्ट एंटर किया था टोटल सैलरी का, तो हमें यहाँ पे एक जो बटन है उसका यूज़ कर लेना है। यहाँ से हमें जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको ओपन कर लेना है, व्यू मेनू में जाना है, जो टूल बॉक्स है उसको ओपन कर लेना है, यहाँ से एक बटन है उसको सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो बटन है उसके आईडी है उसको सेट करते हैं बटन अंडरस्कोर टी से, और यहाँ पे जो बटन है वो जो टेक्स है उसको बटन की जगह पे यहाँ पे करेंगे जो टोटल सैलरी, टोटल सैलरी यहाँ पे सेव वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिजाइनिंग वाला ऑप्शन है उस पर आ जाना है। जैसे आप डिजाइनिंग वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखिए जो टोटल सैलरी, जो टोटल सैलरी से यहाँ पे बटन है उस पर डबल क्लिक करना है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी क्लिक इवेंट है वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों उसकी जो क्लिक इवेंट है वो ओपन हो जाए उसके बाद यहाँ पे हमें एक इंटीजर ए इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स एंड काउंस में जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा जो मतलब जो एनुअल सैलरी वाला टेक्स्ट बॉक है वही टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर एनुअल सैलरी यहाँ पे एस है डॉट टेक्स्ट सेमीकोल इंटीजर बी इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स पीएफ, यानी कि जो एनुअल सैलरी और पीएफ है उसका टोटल जो टोटल वाली सैलरी है उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाए। जैसे ही हम जो टोटल बटन वाला जो बटन है उस पर क्लिक करें टोटल सैलरी पे तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक ही शो हो जाए और वो एंटर भी हो जाए डेटाबेस में। तो उसके लिए इंटीजर सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड सेमीकोलन, यहाँ से कंट्रोल एस, यानी कि दोस्तों हमने जो मतलब यहाँ पे जो एनुअल सैलरी है प्लस पीएफ है और टोटल सैलरी में डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगी। अब दोस्तों फिर से हमारे जो डिजाइनिंग वाला ऑप्शन है उस पर आ जाते हैं। अब बात रही फाइल अपलोड की, तो हमें यहाँ पे जो अपलोड वाला बटन है उस पर क्लिक इवेंट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें एक जो यहाँ पे फोल्डर इमेज का क्रिएट करना होगा जहाँ पे हम सर्वर की जो इमेज है उसको स्टोर करा सके। तो यहाँ पे जो आरजी फॉर्म वाला फिलअप फॉर्म है उस पर आ जाना है, राइट क्लिक कर देना है, यहाँ पे जो एड वाला ऑप्शन है उस पर आना है और यहाँ पे न्यू फोल्डर पे आ जाना है। यहाँ से हम एक आईएमजी का फोल्डर क्रिएट करेंगे, आईएमजी वन एंटर। उसके बाद यहाँ पे जो अपलोड वाला बटन है उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसकी क्लिक इवेंट है उसको ओपन कर देंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे जो इमेज को स्टोर कराने के लिए हमें जो पाथ है जो कोडिंग है वो करनी होगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कोई भी नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम फाइल अंडरस्कोर नेम दे देते हैं इक्वल टू यहाँ पे फाइल अपलोड वन, हमने फाइल अपलोड वन का यूज़ किया है इसलिए डॉट यहाँ पे फाइल नेम, फाइल नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे जो फाइल अपलोड वन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फाइल अपलोड वन डॉट पोस्टेड फाइल, पोस्टेड फाइल डॉट सेव एज, सेव एज, और यहाँ पे काउंस सर्वर, यानी कि सर्वर के बिल्कुल अंदर मैप पाथ, मैप पाथ, और यहाँ पे काउंस डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे साइन इक्वल टू आपने जो भी फोल्डर बनाया है वो फोल्डर का मतलब नेम यहाँ पे ईएमजी वन। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस की साइन और यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग हमने जो ली है फाइल नेम इक्वल टू लास्ट में सेमी कोलम। उसके बाद हमें यहाँ पे जो इमेज का जो हमने लिया है, जो इमेज लिया है उसकी आईडी इमेज वन
डॉट इमेज यू आर एल डॉट इमेज यू आर एल इक्वल टू यहाँ पे जो हमारा फोल्डर जो हमने दिया है उसका पाथ जहाँ पे हम इमेज को स्टोर कराना चाहते हैं वही इमेज वन यहाँ पे प्लस की साइन और जो हमने स्ट्रिंग ली है फाइल नेम। तो हमें दोस्तों यहाँ से हम कोई भी इमेज है उसको स्टोर करा सकते हैं, तो एस वाला कंट्रोल एस है उसको कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इतना है उसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप जैसे ही रन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अभी तक हमने जो डेटाबेस का जो क्वेरी है वो नहीं किया, तो हमने यहाँ पे दो ही फील्ड है उसको फिलअप किया है। फर्स्ट तो हमें एनुअल सैलरी हम सपोज मान लो 10,000 इंसर्ट कर दे, उसके बाद पीएफ हमारा 2,000 है। जैसे ही टोटल सैलरी वाला जो यहाँ पे बटन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12,000 है वो बाय डिफॉल्ट आ चुका है। तो उसके लिए हमने जो इंटीजर वाली जो कोडिंग की थी दोस्तों वही कोडिंग है वो काम करेगी। उसके बाद दोस्तों हमें एक और टास्क कंप्लीट किया है उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चूज ईमेल यानी कि हम एक जो फोटो से उसको अपलोड कर लेते हैं, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से कोई एक फोटो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमें जो सबमिट वाला बटन है उस पर क्वेरी है उसको कम्प्लीट करनी है। तो हमें यहाँ पे जो सबमिट वाला बटन है उस पर डबल क्लिक कर देनी, यहाँ पे सबमिट वाला बटन पे डबल क्लिक कर देनी तो उसकी जो क्लिक इवेंट है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम दोस्तों एक जो ट्राई कैच ब्लॉक है उसका हम यूज़ कर लेते हैं ट्राई कैच ब्लॉक ताकि एक्सेप्शन में हमें हेल्प मिल सके। कैच ब्लॉक्स एक्सेप्शन ई एक्स ऑब्जेक्ट्स ट्राई कैच। उसके बाद हमें यहाँ पे जो ट्राई वाला ब्लॉक है उसके अंदर हमें जो इंसर्ट की क्वेरी है उसको फायर करनी है यहाँ पे एसटीआर। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग लेनी होगी एसटीआर वन इक्वल टू यहाँ पे इंसर्ट इनटू जो टेबल का नेम है वही ई एम पी टी बी एल उसके बाद वैल्यूज और यहाँ पे जो काउंट्स के अंदर फिलअप करनी है। फर्स्ट जो हमारा फील्ड था यानी कि ई एम पी आई डी तो हमें ई एम पी आई डी है उसके लिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस प्लस की साइन यहाँ पे हमने लेबल का यूज़ किया तो हमें लेबल वन डॉट टेक्स्ट। उसके बाद सेकंड नंबर का फील्ड हमारा दोस्तों जो वारकेर का था तो हमें यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस प्लस की साइन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यानी कि एफ नेम यहाँ पे देखे फर्स्ट आपको मिल गया एफ नेम डॉट टेक्स्ट। उसके बाद जो एल नेम यानी कि लास्ट नेम तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जो एल नेम डॉट टेक्स्ट एल नेम डॉट टेक्स्ट। उसके बाद जो डिपार्टमेंट के लिए हमने दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट किया है यानी कि वारकेर एन वारकेर डेटा टाइप का यूज़ किया है तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सॉरी दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे सिलेक्टेड वैल्यू आएगा डॉट टू स्ट्रिंग आएगा डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे हमारा और एक फील्ड रह जाता है वो है डेट का तो डेट के लिए हमने दोस्तों यहाँ पे जो वारकेरी मतलब जो डेट एंड टाइम यूज़ किया है मतलब टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा डॉट डेट टाइम सॉरी दोस्तों हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स डॉट डेट डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे एनुअल सैलरी है उसको इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा न्यूमेरिक डेटा टाइप है उसलिए। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स एसएल यानी कि एनुअल सैलरी डॉट टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे जो पीएफ टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर पीएफ डॉट टेक्स्ट। उसके बाद होगा यहाँ पे और जो टोटल सैलरी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो टी सेल पे मिलेगा टी सेल डॉट टेक्स्ट और लास्ट में होगा जो आपने इमेज का पाथ अपलोड किया तो यहाँ पे हमें डेटाबेस के पाथ है उसको स्टोर कराना है तो यहाँ पे इमेज वन डॉट इमेज यू आर एल डॉट इमेज यू आर एल लास्ट में सेमी कॉलन। उसके बाद यहाँ पे जो सी एम डी यानी कि एसक्यूएल कमांड इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड एस टी आर वन
डॉट सी ओ एन, लास्ट में सेमी कॉलन, सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, लास्ट में सेमी कॉलन, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट अलर्ट, यहाँ पे जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं, और डेटा सबमिटेड सबमिटेड, लास्ट में सेमी कॉलन। उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको क्लोज करा देते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज। और यहाँ पे एक्सेप्शन का एक मैसेज है उसको हम दे देते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन का मैसेज, लास्ट में यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पे ई एक्स डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पूरा जो रजिस्ट्रेशन का जो पूरा कोड था या जो पूरा फॉर्म था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोस्तों इसको रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे रन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस वो आपके सामने शो होगा। यहाँ पे दोस्तों बाय डिफॉल्ट देखे जो एम्प्लॉय आईडी 2 मिल रही है। अब हम यहाँ पे जो कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं, हम यहाँ पे किशन ऐड कर देते हैं, यहाँ पे जो लास्ट टाइम है वो हम आहिर ऐड कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी यहाँ पे मार्केटिंग सिलेक्ट कर लिया, ज्वाइनिंग डेट हम एंटर कर लेते हैं 12/10 यानी कि 2003, उसके बाद यहाँ पे जो एनुअल सैलरी उसके हम 15,000 ऐड कर देते हैं, उसका पीएफ है वो 1,000 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे टोटल सैलरी पे क्लिक करेंगे तो उसका जो 116,000 आ जाएगा। उसके बाद उसकी जो इमेज है प्रोफाइल उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ओपन वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उसकी इमेज अपलोड हो जाएगी। जैसे हम सबमिट वाले बटन पर दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए जो डेटा सबमिटेड का हमारे सामने मैसेज है वो आ चुका है, यानी कि डेटा सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेगा एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।